हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू लिस्ट कोर 100। दोस्तों, आप लोगों का हिंदी का एग्जाम 21 फरवरी को है और आज मैं ऐसी चार टिप्स लेकर के आया हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप 2 दिन के अंदर हिंदी में 95+ ला सकते हैं। जो 4 टिप्स आज मैं शेयर करने वाला हूं, उसमें से 4th टिप्स है कि जो हिंदी ए पढ़ने वाले हैं उनको कृतिका और क्षितिज में बिना सारे चैप्टर्स किए हुए भी फुल मार्क्स आप ला सकते हो, या हिंदी बी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पर्श और संचयन के बिना सारे चैप्टर्स को पढ़े भी उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मात्रा की गलती से कैसे बचा जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली टिप्स हमारी ये है, और आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होता है। चाहे आपके पास हिंदी अ हो, चाहे आपके पास हिंदी ब हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। और ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आपको करना क्या होता है, इसमें इसके लिए 2 अप्रोचेज होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आसान होता है कि पहले वे पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, फिर क्वेश्चन देखें। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए, तब आपको पता चलता जाएगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, और पैसेज में मतलब क्वेश्चन इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, राइट। बट आपके लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा है, इसको जानने के लिए आप खुद 2023 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, या CBSE ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स दे रखा है उसे सॉल्व करिए और खुद फिगर आउट करिए कि कौन सा अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सा अप्रोच आपको बेस्ट सूट करता है। और ट्रस्ट मी, ये दोनों ही अप्रोच अच्छे हैं और यूजफुल हैं, राइट। और आपको ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही आसान आता है, और दोनों में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, और ये फुल मार्क्स फ्री के हैं। अगर आप यहाँ मार्क्स कटाते हैं तो समझ लीजिए इससे गंदी बात, इससे बड़ी गंदी बात कुछ हो ही नहीं सकती, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम 3 अपठित गद्यांश, मतलब बेसिकली आप 2 अपठित गद्यांश सॉल्व कर लो और 2 अपठित पद्यांश को सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है ना तो 15 मिनट्स का अपने को 15 मिनट्स का ना रीडिंग टाइम मिलता है, तो कोशिश करो कि इस 15 मिनट्स में ही ये 10 नंबर अपने बना लो, राइट। खूब ध्यान से पढ़ना और पूरे 10 के 10 आपके नंबर हो जाएंगे। चलिए, दूसरा हम लोग टिप डिस्कस करते हैं। दूसरा टिप ये है, देखिए, दूसरा आप लोग जानते हैं कि व्याकरण, अपठित गद्यांश के बाद दूसरा क्या होता है, व्याकरण। अब चाहे आप हिंदी अ के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी ब के विद्यार्थी हो, देखिए व्याकरण के मार्क्स बहुत ही सॉलिड हैं। अब तो सब MCQ में आने लगा है, और MCQ की वजह से व्याकरण बहुत ही आसान हो चुका है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बाय नाउ आप लोगों ने चैप्टर्स को पढ़ रखा होगा व्याकरण के, आपको प्रैक्टिस करना है। आप 10 सेट्स, ज्यादा नहीं, 10 सेट्स आप सॉल्व कर लो पिछले साल के। इसमें 2 तरह की चीजें आपको करनी है, पिछले साल का यानी 2023 का 10 सेट्स, हर साल CBSE कम से कम 15-16 सेट्स बनाती है, आप केवल 10 सेट्स आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए CBSE ने जो सैंपल पेपर इशू किया है, CBSE वाला, राइट, CBSE ने जो सैंपल पेपर इशू किया उसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस उन्होंने कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इशू किए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। टोटल आप 10 करना है, आप यानी 7 PYQs कर लीजिए, प्लस 3 इस साल एक सैंपल पेपर और 2 एडिशनल क्वेश्चन पेपर CBSE ने इशू किया है उसको सॉल्व कर लीजिए। आई गारंटी यू कि आपको ग्रामर में फुल मार्क्स मिलेंगे। रीजन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए इंटरनल चॉइस बहुत है। देखिए ये हिंदी, ये जो है हिंदी ब वालों के लिए है, टोटल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे केवल 16 प्रश्न करने हैं। देखिए इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास, राइट। अब देखिए 5 में से 4 पूछा जाएगा, 4 करना है, 6 पूछा जाएगा, 4 करना है, 5 में से 4। इसी तरह से हिंदी अ वालों में देखिए कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, करने हैं केवल 16, इंटरनल चॉइस। देखिए 5 में से 4, तो इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, अगर आप 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना, ग्रामर में फुल मार्क्स पक्के हैं। चलिए दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा टिप है हमारा, दूसरा हमारा आ गया लेखन कौशल। अब यहां पे आप लोग गलतियां क्या करते हो, यहां पे आप लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं लेखन कौशल में।
उसको हम डिस्कस करते हैं क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं। देखिए लेखन कौशल में, देखिए हिंदी अ और हिंदी ब में अलग अलग चीजें आती हैं, राइट। तो लेखन कौशल में फुल मार्क्स पाने के लिए आपको चार चीजों से बचना है। ये चार चीजें कौन कौन से हैं आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये चार चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये चारों चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो लेखन कौशल में आप बहुत अच्छे मार्क्स, देखो लेखन कौशल याद करके तो लिखा ही नहीं जाता, लेखन कौशल यू नो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेखन कौशल की चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली फुल मार्क्स पाएंगे। पहला, लेखन कौशल में सबसे जरूरी है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और सीबीएसई हर साल फॉर्मेट इशू करती है, उसको देखिए आप लोग, आपके स्कूल वालों ने बताया होगा, नहीं बताया सीबीएसई ने इशू किया उसे देख लीजिए फॉर्मेट। दूसरा, मात्रा की गलती, हालांकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि मात्रा की गलती से कैसे बचा जाए, आपको मात्रा की गलती से बचना है। पहला हो गया फॉर्मेट, दूसरा हो गया मात्रा की गलती, तीसरा हो गया वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में लिखी है प्लीज उसको फॉलो करिए, क्योंकि उससे भी मार्क्स कटते हैं। चौथा मैं आपको बताने वाला हूं, ये अभी चौथे पे बाद में आते हैं। देखिए पहला, फॉर्मेट अगर आपका गलत होगा तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, मात्रा की गलती करेंगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, और वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तब भी आपके आधे नंबर कट जाएंगे। तो इन तीन चीजों का राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल में विशेष ध्यान रखना है, राइट। अब आती है चौथी बात, अब आपको करना क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको ज्यादा नहीं, हर लेखन कौशल पे केवल दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बस। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसका फॉर्मेट देखिए अच्छे से, दो सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, उसके बाद दो क्वेश्चन आप सॉल्व, गारंटी दे रहा हूं आप केवल दो क्वेश्चन, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे आपका ईमेल हो, चाहे आपका पत्र हो, राइट, केवल दो दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में फॉर्मेट वगैरह सब अच्छे से घुस जाएगा, राइट। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको दो क्वेश्चन लिखना ही है, बिना लिखे एग्जाम में मत जाना, नहीं हो आप वहां अटक जाओगे, राइट। अब क्या करना है आपको, केवल हर लेखन कौशल का केवल दो सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जरा पीछे चलते हैं, इसके लिए जरा हम पीछे चलते हैं एक सेकेंड, ये रहा देखिए। अब चाहे आपका, ध्यान दीजिए, चाहे आपका पत्र हो, चाहे आपका अनुच्छेद हो, राइट, अनुच्छेद, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे आपका ये हो सकता है, चाहे सूचना, जैसे इंग्लिश में हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, राइट, इन सभी का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और सभी पे दो दो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग उस टॉपिक पे आ चुके हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई, चाहे हिंदी अ वालों का क्षितिज और कृतिका हो, चाहे हिंदी बी वालों का या हिंदी ब वालों का स्पर्श और संचयन हो, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितने चैप्टर्स मैं बता रहा हूं आप उतने पढ़ के जाइए, चाहे आपके एमसीक्यू वाला हो सेक्शन ए का, खंड अ का चाहे एमसीक्यू वाला हो, चाहे खंड बी का डिस्क्रिप्टिव आंसर, आप सारे के सारे कर लोगे। अब कितने चैप्टर्स करने हैं आइए देखते हैं, ये हिंदी बी वालों का सिलेबस है, इसमें देखिए पद्य खंड यानी कविता में आपको केवल पांच, केवल वीरेन डंगवाल तोप, आपको केवल पांच कविता पढ़नी है और खूब अच्छे से पढ़नी है। अब गद्य खंड में आ जाते हैं, ये हिंदी ब वालों का है और इस बुक का नाम है स्पर्श का है, राइट। हिंदी ब वालों को क्या करना है, हिंदी ब वालों को केवल पांच चैप्टर यानी यहां तक निदा फाजली तक, प्रेमचंद सीताराम सेक्सरिया लीलाधर मंडलोई, केवल निदा फाजली तक केवल पांच चैप्टर आपको पढ़ने हैं और खूब अच्छे से पढ़ना। अच्छा जी, चैप्टर जब हम पढ़ते हैं हमें बेसिकली तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या, देखिए चैप्टर से कुछ होता है नहीं, ये कहानी है, राइट। अब इसमें देखो नेम ऑफ पर्सन याद रखना है, नेम ऑफ प्लेस याद रखना है, और किसने किससे क्या बोला, दैट्स ऑल। इतना आप याद रख करके जाएंगे तो आपके आंसर में, जो आंसर आप लिखोगे उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। अब टीचर्स इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको ये सब चीजें रटी पड़ी हुई होती हैं, उससे आप खेलने की कोशिश करेंगे यानी उसमें कुछ भी आप लिख के चले आएंगे तो यू विल लूज द मार्क्स। चलिए अब आते हैं इस पे, कि जो हमारा संचयन है, संचयन में टोटल तीन पार्ट है, आप केवल पहले के दो चैप्टर कर लीजिए खूब अच्छे से, आई गारंटी यू आप फुल मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपका एमसीक्यू वाला हो, चाहे आपका वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। अब आ गया हिंदी अ वालों का, हिंदी और अ वालों का क्षितिज और कृतिका, ये रहा हमारा क्षितिज, राइट, ये रहा हमारा क्षितिज। अब देखिए क्षितिज में भी कविता है, क्षितिज का ये
क्षितिज का एक काव्य खंड है और क्षितिज का एक गद्य खंड है, राइट। ठीक है, अब इसमें केवल पांच पढ़ने हैं, तीन ये और दो ये, केवल पांच, यहां नौबत खाने में बात है, ठीक है। इसमें केवल पांच पढ़ने हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी नागार्जुन वाले तक, ठीक है। आप केवल इतना पढ़िए, इसी में से सारा, इससे बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये रहा आपका हिंदी अ वालों का कृतिका। कृतिका में आपको केवल पहले के दो चैप्टर करने हैं, इसी में से आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो पिछले साल के जो PYQs हैं उनके सारे के सारे, एक सेट की बात नहीं करना, उनके सारे के सारे सेट्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए CBSE 10th हिंदी ए, हिंदी ए वाले हिंदी ए लिखेंगे, CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023, इतना लिखना है। हिंदी ए वाले हिंदी ए लिखेंगे तो जब गूगल पे सर्च करेंगे, मेरे ख्याल से 13th या 14th, आप स्क्रॉल करके नीचे जाते जाइए, 13th या 14th प्लेस पे आपको ये मिल जाएगा हिंदी ए वालों के लिए। और हिंदी बी वालों के लिए, यहाँ पे हिंदी बी वाले केवल यहाँ पे हिंदी बी लिख दें, उनका तो सेकंड प्लेस पे, गूगल पे जैसे ही सर्च में डालेंगे सेकंड प्लेस पे ही मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो आई गारंटी यू आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाह रहा था, हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है, पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख करके आने हैं, कुछ भी हो छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।